students, welcome to my YouTube channel. Dear students, आपका अभी recently 26 सितंबर को महाराष्ट्र का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ है, तो इस वीडियो सीरीज में मैं आप लोगों को उसके जो सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड करवा रही हूँ. ठीक है, पहली बात तो जो आपका स्टेट एलिजिबिलिटी का टेस्ट हुआ है महाराष्ट्र का, उसमें मोस्टली क्वेश्चंस हमने अपनी क्लासेस में डिस्कस किए हुए थे. हूबहू सेम क्वेश्चंस आप लोगों को आए हैं, सेम एमसीक्यूज, प्लस ऑप्शंस वर आल्सो सेम, एंड शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको उनकी करवाई हुई थी. जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरी क्लासेस अटेंड की है, तो इन सीरीज ऑफ वीडियोस में मैं इसका सोल्यूशन फिर से आप लोगों को बता रही हूँ. आप सभी टैली कर सकते हैं कि आपके आंसर सही हैं या नहीं. ठीक है, आप मैच कर सकते हैं, तो इनके सोल्यूशंस मैं प्रोवाइड कर रही हूँ. साथ में जो भी स्टूडेंट किसी भी तरह का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंप्यूटर साइंस की प्रेपरेशन कर रहे हैं, KBS PGT एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, या फिर नवोदया का PGT एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो आप मेरी क्लासेस जो है अन अकेडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं. अन अकेडमी के ऊपर तीन चीज़ें हैं, फ्री लेसन्स, स्पेशल क्लासेस जो कि बिल्कुल फ्री है, प्लस क्लासेस जिनके नॉमिनल से चार्जेस है जो कि डेली होती है रूटीन बेस के ऊपर विद अ प्रॉपर स्केड्यूल. इसके अगर आप इसको इन क्लासेस को अटेन करना चाहते हैं तो उसकी सब्सक्रिप्शन है. लाइक आप अगर 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन लेते हैं या 1 मंथ की भी ले सकते हैं. ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन है, बेटर है 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन. निशा एम रेफरल कोड के बाद 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 के सभी एजुकेटर्स का कंटेंट मिलेगा, जितने भी अन अकेडमी के ऊपर प्लस की कैटेगरी में टीच कर रहे हैं. ठीक है, और 1 ईयर की फीस सिर्फ 13,000 है 1 ईयर के लिए. अनलिमिटेड स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड क्लासेस आप लोग अटेंड कर सकते हैं. प्रीवियस 2019 से लेके अब तक जितनी भी क्लासेस हुई है वो भी आप अटेंड कर सकते हैं उस 1 ईयर सब्सक्रिप्शन में. ठीक है, 2021 तक. ठीक है, एंड फ्यूचर में 1 ईयर तक, जब तक आपकी सब्सक्रिप्शन लास्ट करेगी, तब तक जितनी भी क्लासेस होंगी वो भी अटेंड कर सकते हैं. प्रीवियस क्लासेस भी मिलेंगी, फ्यूचर की क्लासेस भी मिलती हैं. पूरी कैटेगरी ही NTA की आपके सामने अनलॉक हो जाएगी. ये बेनिफिट है प्लस सब्सक्रिप्शन का. चलते हैं महाराष्ट्र सेट के आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. तो सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे. यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर अ सिस्टम विद 7 प्रोसेस A through G. हमारे पास 7 प्रोसेस है, 6 रिसोर्सेज है. ठीक है ना, तो फिर एग्जामिनर हमें कुछ डिटेल दे भी रहा है और उसके बाद कुछ डिटेल पूछ भी रहा है. आर देयर एनी प्रोसेस डेडलॉक, क्या इसमें कुछ डेडलॉक है, कोई भी प्रोसेस की डेडलॉकिंग है, ये पूछ रहा है. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं सबसे पहले एक ब्लैंक शीट के ऊपर मूव करूंगी, फिर उसके बाद इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए जो मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी. वो क्या है कि जब भी हम डेडलॉक की बात करते हैं, उस केस में डेडलॉक की 4 करेक्टरिस्टिक्स होती हैं. राइट, हाउ मेनी करेक्टरिस्टिक्स? 4. 4 करेक्टरिस्टिक्स है डेडलॉक की. ठीक है, चारों करेक्टरिस्टिक्स आनी चाहिए तो वहां पे डेडलॉक होता है. पहली करेक्टरिस्टिक क्या है? होल्ड एंड वेट. दूसरी क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन. अगर कहीं पे इनमें से एक भी करेक्टरिस्टिक ना हो तो वहाँ पे डेडलॉक होता नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नॉन प्रियम्पशन. उसके बाद नेक्स्ट क्या है?
दैट इज सर्कुलर वेट। आई होप के ये सभी ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में सुनी हुई है, ठीक है, सर्कुलर वेट। तो अब जो हमें क्वेश्चन आया है महाराष्ट्र के स्टेट एलिजिबिलिटी पेपर में, उसमें होल्ड एंड वेट का कुछ कंसेप्ट एग्जामिनर ने यूज किया है, ठीक है। उसने क्या कंसेप्ट यूज किया है? आपके पास कुछ प्रोसेस दी है, आपके पास कुछ रिसोर्स दिए हैं, किसी प्रोसेस ने किसी रिसोर्स को होल्ड कर रखा है और वो किसी की डिमांड कर रहा है। मान लो कोई प्रोसेस ऐसी है जो डिमांड तो कर रहा है पर उसने होल्ड कुछ नहीं किया, तो मींस वो डेडलॉक में शामिल नहीं है। मान लीजिए बी ऐसी है विच होल्ड्स नथिंग, इसने किसी भी प्रोसेस को होल्ड नहीं किया पर ये किसी की डिमांड कर रही है, तो होल्ड एंड वेट तो इसमें हुआ नहीं, जस्ट वेट वेट हुआ, तो इट मींस ये डेडलॉक में शामिल नहीं। इस लॉजिक को हम अपने क्वेश्चन के ऊपर लगाएंगे। क्या क्वेश्चन है? एग्जामिनर मेरे से पूछ रहा है कि बताओ इसमें डेडलॉक है या नहीं। इस क्वेश्चन में अगर है तो किसके कारण है, हम ऑप्शंस देखेंगे, ठीक है। तो चेक कीजिए सारी चीजें। बी होल्ड्स नथिंग, इन्होंने हमें क्या लिखा है, जो एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन की थी वही इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है, बी होल्ड्स नथिंग। बी ने कुछ भी रिसोर्स होल्ड नहीं किया है। अगर बी होल्ड्स नथिंग है, इट मीन्स बी हमारा डेडलॉक में कभी भी शामिल हो नहीं सकता, तो इससे बी एंड डी ऑप्शन हमारी खत्म हो जाएगी। दिस इज द सेम क्वेश्चन विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन माई प्लस क्लासेस, सेम क्वेश्चन है डिट्टो, इवन ऑप्शंस आर ऑल्सो सेम, ठीक है। अब बची दो ऑप्शन, ए या सी। ए ऑप्शन कहती है डेडलॉक है नहीं, कोई भी प्रोसेस डेडलॉक में शामिल नहीं, लेकिन सी ऑप्शन कहती है कि डेडलॉक है और उसमें डी ई जी शामिल है, सिर्फ डी ई जी शामिल है, ठीक है। तो अभी हम जस्ट डी ई जी को ही चेक करेंगे। दिस इज डी, दिस इज ई एंड ये क्या है जी, सिर्फ इन्हीं को देखेंगे, डी ई जी, ठीक है। कैसे देखेंगे? सबसे पहले मैंने लिखा डी ई फिर जी, अब हम देखेंगे डी होल्ड्स व्हाट, होल्ड क्या किया है डी ने, डी होल्ड्स यू, फिर ई होल्ड्स टी, फिर जी होल्ड्स वी, सभी ने कुछ ना कुछ होल्ड किया हुआ है। अब हम देखेंगे डी वॉन्ट्स व्हाट एस, उसको एस भी चाहिए उसको टी भी चाहिए, पर मेरे पास यहाँ पे टी लिखा है तो मैंने टी की तरफ लाइन लगा दी। ऐसे ही ई वॉन्ट्स वी, ई वॉन्ट्स वी, ऐसे ही जी वॉन्ट्स यू, ऐसे ही जी को क्या चाहिए, यू चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, मैं इसी डायग्राम को फिर से इलेबोरेट करना चाहती हूँ। डी ई जी क्या हो रहा है? आई हैव डी ई जी, ठीक है, डी ई जी था, एंड रिसोर्सेस मेरे पास क्या थे, उन्हीं रिसोर्सेस को हम उसी क्वेश्चन से उठाएंगे, दैट इज यू टी वी, राइट, ठीक है, यू टी वी। तो सभी के पास एक एक रिसोर्स है और उनको सभी को एक एक रिसोर्स चाहिए, तो वट इज हैपनिंग हेयर? होल्ड एंड वेट तो था, होल्ड एंड वेट तो हो गया, साथ में म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, कोई भी शेयर नहीं कर सकता रिसोर्स। नेक्स्ट नॉन प्रियम्पशन है, किसी को आप फोर्सफुली उठा नहीं सकते। नेक्स्ट सर्कुलर वेट है, सर्कुलर वेट, वट इज सर्कुलर वेट? फर्स्ट वन इज वेटिंग फॉर सेकेंड वन एंड सेकेंड वन इज वेटिंग फॉर थर्ड वन टू रिलीज दैट रिसोर्स एंड थर्ड वन इज वेटिंग फॉर फर्स्ट वन टू रिलीज दैट रिसोर्स, सो दैट्स वाई इट इज अ क्लियर केस ऑफ डेडलॉक, ये डेडलॉक का क्लियर केस है। तो आप लोग एक बात नोटिस कीजिए, जस्ट एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कोई आपको ऑप्शन नहीं बताई कि इसकी सी ऑप्शन सही है, मैंने साथ में आपको एक्सप्लेन भी किया है वाई सी ऑप्शन, सी ऑप्शन अगर ट्रू है तो वो क्यों है, आई हैव गिवन यू होल एक्सप्लेनेशन। ये सिर्फ ये समझ के मत कीजिए कि महाराष्ट्र का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो हमने उसको कवर करना है, नो, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन आस्क इन योर नेक्स्ट पेपर्स आल्सो, इन नेट आल्सो, ठीक है, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू कवर ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स।
in these upcoming videos also I am going to post all these type of questions and their solutions. ठीक है, तो इन सारी वीडियोस को जरूर चेक कीजिए. ऐसे ही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 88 है, डिस्क क्यू विद इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट. ठीक है, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट है गिवन, तो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं. एग्जामिनर कहता टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर मेरे पास 150 है, स्कैन स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम लगाइए. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट अब फिर से हम एक ब्लैंक शीट लेते हैं. स्कैन स्केड्यूलिंग में क्या होता है पहले तो कंसेप्ट पता होना चाहिए. ठीक है, हमारे पास हमेशा क्या होता है, जीरो से लेके लास्ट तक कुछ ना कुछ जो है हेड्स होते हैं टोटल, एंड एक होती है हमारे पास करंट हेड पोजीशन. ठीक है, जीरो से लेके लास्ट क्या आएगा, वी आर अनअवेयर अबाउट दैट, लास्ट वैल्यू क्या आएगी हमें नहीं पता. तो यहाँ पे दी हुई है वो लास्ट वैल्यू, कहता टोटल डिस्क कितने हैं, 150 है, राइट. ठीक है, टोटल डिस्क कितने हैं, 150 है. तो अगर मैं जीरो से लेकर ले रही हूँ तो मैं लूंगी 149 तक, बिकॉज उसने क्या कहा कि टोटल डिस्क कितने हैं, राइट. ठीक है, तो टोटल कितने हैं हमारे पास, दैट इज 150. सो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस फ्रॉम जीरो टू 149. जीरो से स्टार्ट करने के कारण 145 लिया है, 49. अब हमारे पास करंट पोजीशन दी है 23, मूविंग इन डिक्रीजिंग डायरेक्शन. 23 से आप डिक्रीजिंग पोजीशन की तरफ जाएंगे, मतलब आप जाएंगे जीरो की तरफ. ठीक है, जीरो तक जाते हैं, फिर ओपोजिट डायरेक्शन में हम लास्ट रिक्वेस्ट तक जाते हैं. इस सीरीज में आपके पास लास्ट रिक्वेस्ट दी हुई है 128, सो आई एम गोइंग टू मेंशन हियर 128. हमें लास्ट रिक्वेस्ट तक जाना होता है स्कैन में. एक दिशा में तो हम एंड तक जाते हैं, दूसरी डायरेक्शन में हम एंड तक नहीं जाते स्कैन में. सी स्कैन होता तो हम उसमें दूसरी दिशा में एंड तक जाते. ठीक है, सी का मतलब होता है सर्कुलर, तो अलग बात थी. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द कंपैरिजन बिटवीन ऑल दीज एल्गोरिदम्स आल्सो. एक हमारे पास होता है लुक, एक होता है सी लुक. ये चार एल्गोरिदम है, इनमें सिमिलैरिटीज भी है, इनमें डिससिमिलैरिटीज भी है, तो आपको सारी आनी चाहिए. तो करंट पोजीशन से उसने बोला डिक्रीजिंग वैल्यू की तरफ चलो, जीरो की तरफ हम चले गए. जीरो से फिर हम 128 तक आए हैं. सो व्हाट इज द हेड मूवमेंट, 23 से जीरो, फिर 28 पर हम आए हैं जीरो से. सो 23 प्लस 128 क्या हेड मूवमेंट हुई, 151. सो दैट्स व्हाई आर करेक्ट ऑप्शन इज 151, दैट इज सी ऑप्शन. क्लियर, ठीक है. कैसे इस क्वेश्चन को करना था, विद द हेल्प ऑफ स्कैन करना था, जस्ट इतनी सी बात है. सभी स्टूडेंट्स चेक करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, कैसे हमने किया है, क्या इसकी डिटेल है, यू हैव टू चेक. एंड आफ्टर दैट मैं और वीडियोस में और लेसन्स और क्वेश्चंस पोस्ट कर रही हूँ आपको सॉल्यूशंस. डू नॉट थिंक कि ये महाराष्ट्र सेट के क्वेश्चंस है, थिंक अबाउट दैट दीज आर एमसीक्यूज फॉर योर प्रीवियस ईयर, फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर पेपर्स और एनीथिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एनडीए यूजीसी नेट, राइट. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट वीडियोस में भी मैं लेसन्स आपको जो है वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ. एंड साथ में अन अकेडमी प्लस ज्वाइन करते वक्त यूज करें मेरा रेफरल कोड निशा एम, डू नॉट फॉरगेट दैट टू गेट 10% डिस्काउंट, राइट. ठीक है, चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स इस सेशन में इतना ही, थैंक्स अ लॉट.